हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डक डिज़ाइन देखेंगे। एक्चुअली हम लोग इसमें डक डिज़ाइन करेंगे, कोई डक टूलेटर का यूज करेंगे नहीं करेंगे, मैनुअल डक साइजिंग होगा, ठीक है, जो कि एसरे का जो फ्रिक्शन चार्ट होता है, तो उस चार्ट के मदद से हम लोग आज डक निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पूरा ये स्केमेटिक डायग्राम बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके लिए मैंने एक एचयू लगाया है, ठीक है। एचयू का कैपेसिटी जो दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 CFM। फिर उसके बाद यहाँ से जो चलेगा मेन डक चलेगा। अब मेन डक कैसा होता है, इस टाइप का मेन डक दिखता है, जो कि जीआई शीट का बना होगा, ये रेक्टेंगुलर डक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ब्लैक वाला डक दिख रहा है आपको, ये मेन डक्ट है पूरा, जो कि यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेन डक्ट के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फिर ब्रांच निकला हुआ है, रेड कलर का जितना है वो ब्रांच है। अब ब्रांच से फिर एक डिफ्यूज़र कनेक्टेड यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक डिफ्यूज़र है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक डिफ्यूज़र से 2,000 CFM निकल रहा है, 2,000 CFM, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8,000 CFM हो गया। और फिर ये लास्ट लास्ट का दो डिफ्यूज़र जो है उससे 1,000 CFM निकल रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग डक डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से 10,000 CFM आ रहा था मेन डक्ट से, फिर यहाँ से ये जो ब्रांच है 7 नंबर, यहाँ से 2,000 CFM निकल गया। अब 2,000 CFM निकलने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक टेपर लगाते हैं। टेपर लगाने के बाद डक्ट का साइज रिड्यूस हो जाता है, फिर क्योंकि यहाँ से 10,000, फिर ये 2,000 माइनस हो गया, फिर 8,000 CFM बचा, फिर 8,000 CFM में से फिर 2,000 यहाँ से माइनस हो गया ब्रांच डक्ट। फिर जैसे यहाँ से फिर हम लोगों को यहाँ पे एक रिड्यूसर लगा के डक्ट को रिड्यूस करना होगा, उसके साइज़ को कम करना होगा, ताकि फ्रिक्शन या फिर वेलोसिटी जिसमें से हम लोग डक डिज़ाइन कर रहे हैं उसको मेंटेन रख सकें शुरू से लेके लास्ट पॉइंट तक। फिर वैसे ही यहाँ से 2,000 CFM निकल गया, फिर 4,000 बच गया, फिर 4,000 में से 2,000 निकल गया, फिर 2,000 ये बच गया। फिर वैसे एक एक टेपर लगता जाएगा, रिड्यूसर जिसको बोलते हैं, या फिर टेपर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से 2,000 का डक था, 1,000 CFM यहाँ चला गया, फिर बचा 1,000 CFM, जो कि ये डक इस डक में चला गया। यहाँ पे एक मैंने एक बेंड लग जाएगा 90 डिग्री एल्बो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री एल्बो लग जाएगा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो टेपर होता है, ये जो टेपर होता है दो टाइप का होता है। एक तो आपका जैसे मान लीजिए कि सेंटर टेपर होता है, सेंटर टेपर। अब सेंटर टेपर कैसा होगा, मान लीजिए सेंटर से एक हम लोग ऐसे लाइन खींच दें, तो सेंटर टेपर इस तरह से सेंट्रली सिमेट्रिक होता है, दोनों तरफ से इक्वल, ठीक है। और एक होता है आपका जैसे साइड टेपर। अब साइड टेपर में क्या होता है, मान लीजिए कि ये दीवार चल रहा है हम लोग का इस साइड से, तो अब इसी साइड टेपर लगाना है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ से एक डक तो वॉल वाले फेस में एकदम सेम रहता है, बट आगे से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये डक चल रहा था, तो आगे से ऐसे रिड्यूस कर इस तरीके का जो टेपर बनता है, मान लीजिए कि एक डक इधर से आ रहा था और यहाँ से फिर रिड्यूस हो गया, तो वॉल की तरफ जो फेस है, ये वॉल की तरफ वो हमारा एक तरफ से एकदम इक्वल चलेगा, और आगे से हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे। फिर यहाँ पे मान लो रिड्यूस करना होगा तो वैसे ही कर सकते हैं, तो इसी का हम लोग डक डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके लिए मैंने क्या किया, इसको सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि मान ये जो मेन डक यहाँ से यहाँ तक का जो डक है, ये इसको मैंने सेक्शन 1 माना है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डक है इसको सेक्शन 2 माना है, फिर यहाँ से लेके ये डक सेक्शन 3 हो गया। इसी सेक्शन वाइज हम लोग डक साइज निकालेंगे, देखेंगे कितना CFM फ्लो हो रहा है, फिर ब्रांचिंग करेंगे, ठीक है ना। तो 1 से लेके 6 तक हमारा मेन डक्ट का हो गया, 1 से लेके ये 6 तक पूरा मेन डक्ट चल रहा है। फिर उसके बाद ये ब्रांचिंग, फिर इसका साइजिंग करेंगे। तो साइजिंग करने के लिए देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एसरे का जो चार्ट होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन चार्ट इसको बोलते हैं। तो फ्रिक्शन चार्ट में क्या होता है, पहले ही फ्रिक्शन चार्ट को समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। फ्रिक्शन चार्ट में होता है जैसे यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं एयर क्वांटिटी लिखा हुआ है। अब एयर क्वांटिटी का यूनिट क्या, CFM है, क्यूबिक फीट पर मिनट। और ये वाला वाई एक्सिस पे आपको जो दिखाता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या दिखाता है आपको, फ्रिक्शन,
शो करता है इंच ऑफ वाटर कॉलम पर 100 फीट, ठीक है, पर 100 फीट पे कितना आपका फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। तो आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सीएफएम दे रहा है, इस वाई एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन चल रहा है, फ्रिक्शन लॉस दिया हुआ है। तो नॉर्मली हम लोग क्या 0.08 फ्रिक्शन रेट लेते हैं, 0.08 लेते हैं हम। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास एक 2000 CFM का डक्ट है, तो ये मान लो ये 2000 CFM का डक्ट हो गया, मतलब 2000 CFM का मशीन है आपके पास, और यहाँ से क्या चल रहा है, मान लीजिए ये फ्रिक्शन रेट आपका 0.08 आपने लिया था। यहाँ पे फिर एक इंक्लाइन लाइन आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो इंक्लाइन लाइन है ये यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ सकते क्या दिया हुआ है, डक्ट डायमीटर इंच में, ठीक है। उसके बाद एक और आपको लाइन दिख रहा होगा, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा, इंक्लाइन लाइन। एक तो ये इंक्लाइन लाइन आ रहा है, एक ये इंक्लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये शो कर रहा है आपको वेलोसिटी को FPM में, ठीक है। तो हम लोग यहीं से सब चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये फ्रिक्शन चार्ट से आपको जो डक्ट का डायमीटर मिलेगा, जो डक्ट मिलेगा वो सर्कुलर डक्ट मिलेगा। तो फ्रिक्शन चार्ट से आपको सर्कुलर डक्ट मिलेगा। फिर आपको दूसरा चार्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं जैसे सर्कुलर इक्विवेलेंट ऑफ रेक्टेंगुलर डक्ट। तो जो भी आपका सर्कुलर डक्ट का डाया जो भी मिलेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि डाया इसका जो भी दिया हुआ है, उसको फिर यूज करके उस डायमीटर को आपको इक्विवेलेंट जैसे रेक्टेंगुलर डक्ट निकालना होगा, ठीक है। तो एकदम आसान है, आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेक्शन वाइज, पहला सेक्शन हमारा कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन, ये समझाने के लिए है, बाकी ऑटोकैड में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सेक्शन वन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना CFM है, 10,000 CFM है, मेन डक्ट है। यहाँ पे CFM क्यू की कितना है आपका, 10,000 CFM, और फ्रिक्शन लॉस हम लोग कितना ले रहे हैं, 0.08, ठीक है, 0.08 इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट। तो अब हमें क्या निकालना है, अब जैसे फ्रिक्शन आप डालेंगे आपको एक FPM पता चल जाएगा, इस डक्ट से कितना FPM फ्लो हो रहा है। फिर आपको यहाँ पे डक्ट का साइज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दो फैक्टर का यूज करते हैं, क्यू और फ्रिक्शन लॉस का। तो उसके लिए हम आएंगे अपने चार्ट पे, जो भी हमारा चार्ट था यहाँ पे दिया हुआ। तो 10,000 CFM है, तो जैसे ये 5,000 CFM का लाइन था यहाँ पे, तो ये 5, तो ये 6, 7, 8, 9, ये 10,000 CFM हो गया, ठीक है। अब मान लो 10,000 CFM पे मैंने क्या किया कि एक ऐसे लाइन खींच दिया, वर्टिकल लाइन। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि वाई एक्सिस पे भी एक लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर, ताकि प्रॉपर वैल्यू मिल सके। अब यहाँ पे अब जो भी लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस लाइन पे अब हम देखेंगे ऐसे, इस वर्टिकल पॉइंट पे हम देखेंगे, ठीक है, ये वाला लाइन अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए अब यहाँ पे 32 था, यहाँ पे 36 है, तो अप्रोक्स ये 34 पे काट रहा है, ठीक है, 34 इंच पे काट दिया। तो फिर अब मान लो अब हमें वेलोसिटी भी देखना है, तो डक्ट का डाया मेरा कितना मिल गया, 34 इंच डाया, ये कौन सा डक्ट हमें मिल गया, सर्कुलर डक्ट मिल गया, ठीक है। अब हम लोगों को एक FPM भी देखना है कि कितना वेलोसिटी है यहाँ पे। वेलोसिटी चेक करने के लिए अब जैसे वेलोसिटी का ये ऐसे जो चल रहा है, ऐसे जो लाइन चल रहा है, ये वेलोसिटी का है, तो ये देखेंगे हम लोगों को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए ये 1600 का था, हम ऐसे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 1600 कुछ, तो हम अभी ये अप्रोक्स इसको जैसे चार्ट से बना रहे हैं, तो थोड़ा 5% ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे FPM क्या हो जाएगा अपना, कितना आ रहा है, 1600 FE फुट पर मिनट, ठीक है।
अब डक्ट साइज तो सर्कुलर निकल गया, लेकिन अब रेक्टेंगुलर डक्ट का साइज क्या होगा? रेक्टेंगुलर डक्ट, अब रेक्टेंगुलर डक्ट में आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है, दो चीज़, एक तो हाइट होता है, दूसरा तो विड्थ होता है। अब जब भी आप डक्ट साइज निकाल रहे होंगे तो आपको एस्पेक्ट रेशियो एक होता है, एस्पेक्ट रेशियो होता है, जिसको हमेशा आपको लेके चलना होता है। एस्पेक्ट रेशियो आप जैसे कैसे निकालते हैं, जैसे हाइट टू, हाइट और विड्थ का रेशियो होता है, मान लीजिए जैसे 1:4 का रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हाइट आप 300 mm ले रहे हैं, ठीक है, तो विड्थ मैक्सिमम कितना जा सकता है, 3 × 1200 mm। अगर इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए विड्थ डिवाइड बाई हाइट करते हैं, 1200 डिवाइड बाई 300 करते हैं, कितना आ गया, 4 आ गया ना, 4:1 का रेशियो हो गया। अगर यही मैं इसको 1300 ले लेता, 1300 डिवाइड बाई 3 कर देता, 300, तो कितना आ गया, 4.3 का रेशियो हो गया, जबकि हमें 4.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1:4 के रेशियो से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए एस्पेक्ट रेशियो। इस चीज़ को भी मेंटेन करके रखना है। तो 34 इंच हमारा डक्ट साइज था, सर्कुलर डक्ट। तो फिर चार्ट में चलेंगे हम, चार्ट में चलने के बाद यहाँ पे आएंगे जो ये सर्कुलर इक्विवेलेंट डक्ट है। अब इसमें भी जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो देख रहे हैं, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर डक्ट। अब जब जब भी आप डक्ट साइज निकालते हैं, तो उसमें एक चीज़, अब एक चीज़ और बता दूं मैं, जब भी एरिया निकाल, जैसे एरिया इक्वल डक्ट का एरिया क्या होता है, जैसे डक्ट साइज है, आप डक्ट साइज में क्या होता है, एक तो हाइट आपका होता है और दूसरा क्या होता है, विड्थ होता है। तो हाइट आप डिसाइड कर सकते हैं आप सीलिंग के अकॉर्डिंग कि कितना आपको मिल रहा है, तो ये प्री डिफाइंड होता है, आप पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट विड्थ को आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस चार्ट में भी यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है डक्ट, हाइट होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे जो ऐसे नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो डायमेंशन है ये होता है डक्ट का विड्थ होता है, ठीक है, और फिर सेंटर में ये जो आपको दिख रहा है, सेंटर में ये जो दिख रहा है 6.6 से लेके ये 30 तक, फिर यहाँ तक जितना वैल्यू बीच में दिख रहा है, ये सब आपका सर्कुलर डक्ट का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अपने पास क्या था, 34 इंच का था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे ये जो डक्टिंग आपको दिख रहा है, पूरे डक्ट में हाइट हम लोग क्या करेंगे कि 14 इंच लेके चलेंगे, क्योंकि 14 इंच हमारे पास जगह है सीलिंग में, सीलिंग के ऊपर, सीलिंग जैसे सीलिंग और जो फॉल सीलिंग बनाएंगे उसके बीच में, ठीक है। तो 14 इंच कितना होता है अपना, 14 × 2 अगर 25 कर देंगे तो 350 mm हाइट होगा डक्ट का, पूरे डक्ट में हम लोग सेम रखेंगे। तो मान लीजिए हाइट हम कितना ले लिए यहाँ पे, 14, तो विड्थ कितना होगा, उसके लिए फिर हम आएंगे, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया 14 इंच, डक का हाइट 18 इंच ले लेते हैं हम लोग, 18 × 25, 450 का जगह है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि साइड पे आपको कितना स्पेस मिल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे केस में 18 इंच का मैं ले सकता हूँ मैक्सिमम, 18 इंच का ले लिया मैंने, ठीक है। अब 18 इंच यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कि ये अपना 18 इंच का लाइन था, एटीन इंच क्या लिया मैंने, हाइट ले लिया, ठीक है। अब मैक्सिमम हम लोग का जो सर्कुलर डक्ट का डाया आया हुआ था वो 34 इंच था, 34 इंच यहाँ पे इसमें देखेंगे, 34 इंच कहाँ है, ये 34.4 है अप्रॉक्स, इसको हम लोग ले सकते हैं, और इधर से भी आएंगे हम लोग, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन से आके देखेंगे कहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 34 पे कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का डक्ट का
किराया मिला हुआ है, तो इस हिसाब से आप कितना 18 इंच बाई 60 इंच मतलब 60 इंच बाई 18 इंच का डक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो भी आप अगर आप देखेंगे 60 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो कितना होगा, 3.3 का हो रहा है, मतलब 4.1 से कम है। तो ये डक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे ये जो डक्ट हो गया 60 इंच, तो डक्ट का साइज क्या आ गया आपका, जैसे रेक्टेंगुलर डक्ट हो गया 60 विड्थ हो गया इंटू 18 हाइट हो गया। इसको अगर आप एमएम में बदलें, अगर 60 × 25 1500 बाई 18 का हो गया 450 mm। इस साइज का ये आपका एक डक्ट हो गया। एक डक्ट मतलब ये सेक्शन 1 जो मेन डक्ट यहाँ से इस पॉइंट तक आ रहा था, फिर उसके बाद 2000 CFM यहाँ से निकल गया। अब सेक्शन 2 में देखेंगे, अब सेक्शन 2 में क्या 8000 CFM है, क्योंकि 2000 CFM कम हो गया। तो उसके लिए फिर आइए, अब यहाँ पे हम आएंगे सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 में Q इक्वल टू कितना है, 8000 CFM, और यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस कितना हो जाएगा आपका, 0.08 वाटर कॉलम पर 100 फीट। तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो मिलेगा डक्ट का डाया, ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी मिल जाएगा। जब ये सब मिल जाएगा आपको, तो क्या फाइंड करना है, जैसे रेक्टेंगुलर डक्ट, क्योंकि आप फाइनली रेक्टेंगुलर डक्ट का साइज निकाल रहे हैं। रेक्टेंगुलर डक्ट में एक तो हाइट होगा आपका, एक विड्थ होगा। हाइट हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, 18 इंच का, तो विड्थ हम निकालेंगे। अब यहाँ इस चार्ट में आएंगे, फिर हम इस चार्ट में आएंगे, मान लीजिए 8000 CFM कहाँ पे था, 5000 का था, 6 7 8, ये जो लाइन है मेरा, ये मैं 8000 पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये डक डायमीटर वाले लाइन पे अगर हम आके देख मैच करते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये देखेंगे जैसे 30 और 32 के बीच में कितना, लगभग 31 इंच पे कर रहा है। तो डक्ट डाया कितना मिल गया, 31 डाया, ठीक है, 31 इंच डाया तो मिल गया। लेकिन अब वेलोसिटी अपना कितना है, जैसे अगर ये दोनों वेलोसिटी का लाइन अगर 1600 और 1400 1600, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या अप्रॉक्स सेंटर में इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए 1400 या 1500 FPM पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे हम वेलोसिटी कितना ले सकते हैं, 1500 FPM। फिर उसके बाद अब रेक्टेंगुलर डक्ट का साइज निकालना है, तो डक्ट हाइट तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि 18 इंच लेना है, उसी हिसाब से विड्थ हमारा कितना हो जाएगा। अब 18 इंच हाइट लेना है। अब हम लोग का जो डक्ट डायमीटर आया हुआ है 31 इंच, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 31 इंच कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये 31.2 इंच है अप्रॉक्स, अगर हम इसको कर दें और इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। ये दोनों जैसे 31.2 है और ये 31 है, तो नियरली इक्वल है दोनों। तो अब यहाँ पे डक जो साइज क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 48 इंच बाई 18 इंच। तो यहाँ पे आपका विड्थ कितना मिल गया, 48 इंच बाई 18 इंच। तो इसको एमएम में कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 48 इंच मल्टीप्लाई बाई 24 25 कितना हो गया, तो ये डक्ट आपका 450 बाई 1200 mm का हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 2 का डक्ट हो गया। फिर वैसे ही सेक्शन 3 में आपको जाना है। सेक्शन 3 में जैसे आप जाइएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, 2000 CFM फिर से माइनस हो गया, 8000 CFM माइनस 2000, तो कितना बचा, ये 6000 CFM सेक्शन 3। तो फिर इसको भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो
सेक्शन थ्री। अब सेक्शन थ्री में क्यू इक्वल टू कितना है, क्यू इक्वल टू आपका 6000 CFM है, 6000 CFM। अब फ्रिक्शन लॉस हम लोग कितना ले रहे हैं, 0.08 वाटर कॉलम पर 100 फीट। अब हमें क्या क्या निकलेगा यहाँ पे, एक तो डक्ट डायमीटर निकलेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका FPM निकल जाएगा, वेलोसिटी। फिर जब ये दोनों निकाल लेंगे आप चार्ट से, तो फिर चार्ट देख के आप डक्ट साइज निकालेंगे, वो भी कौन सा डक्ट, रेक्टेंगुलर डक्ट, ठीक है। रेक्टेंगुलर डक्ट में फिर आपका हाइट इंटू विड्थ हो जाएगा। तो एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, जब भी डक्ट साइज लिखते हैं तो पहले विड्थ इंटू हाइट लिखा जाता है। तो आइए 6000 CFM पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे 5000 CFM था ये, और एक ये 6000 CFM का ये लाइन है, तो इस लाइन को हम उठा के यहाँ 6000 पे शिफ्ट कर देते हैं। अब 6000 CFM पे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये डक्ट का डायमीटर है कौन से, 0.08। यहाँ पे फ्रिक्शन तो हम लोग सेम ले रहे हैं सब में, क्योंकि पूरा जो डक्ट होगा शुरू से आखिरी तक सब में फ्रिक्शन मेंटेन रख के चल रहे हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे डक्ट डाया कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये CFM हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया, डायमीटर हो गया, फिर ये वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये वाला लाइन है कितना है, 26 और 27, 28, 29, 30, मान लीजिए दो दो का गैप है यहाँ पे, तो ये 28 इंच हो गया डक्ट का अप्रोक्स। ये कितना आ गया, मान लीजिए डक्ट का डाया कितना आ गया, 8, ये डायमीटर है यहाँ पे, वैसे भी डायमीटर लिख देता हूँ। अब FPM देखेंगे कि कितना है, अब कितना वेलोसिटी है। अब FPM भी अगर चेक करने के लिए जाएँ तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं ये पॉइंट एकदम मैच कर रहा है इस पॉइंट से, ये कितने का लाइन है, जैसे अगर आप देखेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1400 यहाँ पे वेलोसिटी है, तो यहाँ पे कितना FPM मिल रहा है आपको, 1400 PM, फुट पर मिनट होता है। अब डक्ट साइज आपको निकालना है, डक्ट साइज के लिए जैसे आप तो हाइट लेके ऑलरेडी चल रहे हैं कि 18 इंच होगा डक्ट का मेरा, और विड्थ निकालना है कितना, 28 इंच डायमीटर पे। फिर हम चलते हैं इसी चार्ट में, अब इस चार्ट में देखेंगे 28 इंच किधर है, तो ये लगभग 27.4, 28 से कम हो जा रहा है, अगर 28.8 ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। आप कैसे ले सकते हैं, तो इन दोनों का आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 27.4 प्लस 28.8 इक्वल टू 56/2 कर देंगे, तो अप्रोक्स अपना 28.1 का मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कितना वैल्यू आ गया, 36 और 40 का फिर एवरेज लेंगे विड्थ के लिए, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कहते हैं 38 इंच आ गया, 38 इंच बाई 18 इंच, 38 इंच बाई 18 इंच। यहाँ पे इसका एस्पेक्ट रेशियो भी चेक कर सकते हैं, 38 डिवाइडेड बाई अगर 18 कर देते हैं तो ये 2.11 का रेशियो आता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो 38 इंच को mm में भी बदल देते हैं हम, 38 इंटू, तो ये कितना आ गया, 950। तो 950 mm बाई 450 mm, ये आपका रेक्टेंगुलर डक्ट का साइज हो जाएगा सेक्शन थ्री का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन फोर। सेक्शन फोर में देखते हैं क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन फोर में 4000 CFM है, यहाँ से लेके ये आपका सेक्शन फोर है ये वाला, तो यहाँ पे 4000 CFM है। अब 4000 CFM के लिए फिर हम चलेंगे अपने चार्ट पे, चार्ट पे जाने के बाद देखेंगे 4000 CFM, मान लीजिए ये 2000 CFM था, ये 5000 CFM था, ठीक है, 2000, 3000, 4000, 1, 5000, 1-1000 के यहाँ पे गया हुआ, 2, 3 और 1, 4 और फिर ये 5000। तो हम 4000 CFM पे ये रखेंगे हम यहाँ पे लाइन अपना, 4000 CFM पे मैंने रख दिया। अब 4000 CFM पे मैं देखूंगा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देख रहे हैं अब 24 पे लगभग कर रहा है,
तो कितना डायामीटर मिल गया। तो यहाँ पहले ये लिख लेता हूँ क्यू इक्वल टू कितना है, 4000 CFM। और फ्रिक्शन लॉस कितना ले रहे हैं, 0.08। तो डक्ट का डायमीटर कितना मिल गया अपना, 4 इंच मिल गया। उसके बाद इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी अगर लाइन को हम शिफ्ट करके यहाँ पे लाएं, इस कितने पे इंटरसेक्ट कर रही है अगर चेक करें, तो अब ये 1200 और 1400 के बीच में, 1300, ठीक है, 1300 से भी थोड़ा सा कम है, तो हम इसको मान लेते हैं 1280 मान लेते हैं, ठीक है, 1280 FPS। तो यहाँ पे अब जैसे आपको निकालना है रेक्टेंगुलर डक्ट साइज, रेक्टेंगुलर डक्ट साइज में फिर आपका विड्थ हो जाएगा, फिर हाइट हो जाएगा। तो हाइट ऑलरेडी 18 इंच लिए हुए हैं, तो 24 इंच डायमीटर पे हम देखेंगे कि कितना डक्ट का विड्थ आ रहा है। अब हम लोग का कितना 24 इंच है, इस चार्ट में आएंगे, ये 24.4 है, ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर इससे भी अगर थोड़ा सा नियरली वैल्यू चाहिए तो आप जैसे 22.7 और 24.4 इन दोनों का एवरेज निकाल के कर सकते हैं। तो मान लीजिए 24.4 पे मैं ले लेता हूँ, तो कितना आ गया, ये लगभग 28 इंच बाई 18 इंच का डक्ट यहाँ पे आपको 28 बाई 18 इंच। अगर ये mm में हम देखें, 28 × 25 ये कितना हो गया, 700 700 mm बाई 450 mm, ये आपका डक्ट मिल गया। ये 4000 CFM था, 0.08 फ्रिक्शन अब लॉस था, ये डक्ट का डायमीटर आ गया जो कि नोट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी इस पॉइंट पे आपका 1280 है, सेम वैसे ही। फिर नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या है, 2000 CFM है यहाँ पे, क्योंकि 4000 CFM में से यहाँ से फिर ऐसे 2000 CFM निकल गया, तो इधर हमारा कितना जा रहा है, 2000 CFM। तो अब 2000 CFM पे हम देखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 2000 CFM, और फ्रिक्शन लॉस कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, 0.08, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका एक तो वेलोसिटी निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा, आपका डक्ट डायमीटर निकलेगा जो कि सर्कुलर डक्ट का डाया होगा। तो यहाँ पे जो भी डक्ट का डाया होगा वो लिखेंगे। फिर फाइनली हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर डक्ट का साइज निकालना है। अब रेक्टेंगुलर डक्ट का साइज कैसे होता है, विड्थ होता है इनटू हाइट होता है, जो कि हाइट आप ऑलरेडी यहाँ पे 18 इंच लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब 2000 CFM पे आपको क्या निकालना है, एक तो डक्ट का डायमीटर निकालना है, फिर वेलोसिटी निकालना है पहले। तो इस चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग वापस। अब 2000 CFM है, 2000 CFM पे इस वर्टिकल लाइन को मैं 2000 CFM पे शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना, जैसे अब ये ट्रक का डायमीटर कितना हो गया, 18 इंच और 20 इंच के अब बीच में है, लगभग ये 18.3 के बराबर, 18.3 ले सकते हैं हम लोग, 18.5 भी, या फिर 19 भी नहीं है, तो 18.3 मैं ले लेता हूँ इसको, तो मैं 18.3 इंच डायमीटर हो गया। और इस पॉइंट पे जैसे वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको मैं ऐसे इंटरसेक्ट कराता हूँ अगर, तो अब किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये काट रहा है, तो 1000 और 1200 के बीच में, लगभग 1100 1090 मैं ले लेता हूँ, 1100 से थोड़ा सा कम है।
1090 FPM। इस पॉइंट पे अब 18.3 इंच पे हम लोग देखेंगे कि डक का विड्थ कितना होगा। एटीन पॉइंट थ्री अब 18.3 डक्ट का डाया आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे 18 इंच हाइट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, आपको डक्ट का हाइट कम करना पड़ेगा। डक्ट का हाइट कम करने के लिए जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए अब 18 इंच से अब 14 इंच यहाँ पे डक्ट का हाइट मुझे लेना है, ठीक है। डक्ट का हाइट मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ पे 3 इंच पे हम लोग हाइट ले लेते हैं। अब 14 इंच यहाँ पे हाइट ले लेते हैं डक का, कैंसिल कर दीजिए। और डक का हाइट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 14 इंच, तो विड्थ कितना होगा 18.3 पे। अब देखेंगे यहाँ 18.3 डक का अगर डायमीटर है सर्कुलर डक का, तो इक्विवेलेंट इसका रेक्टेंगुलर साइज क्या होगा, 20 बाई 14 का डक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 20 इंच बाई 14 इंच, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं 20 इंच बाई 14 इंच। 20 इंच का कितना हो जाएगा आपका 500 mm, 14 इंच का कितना 350, 500 बाई 350 mm। क्योंकि अगर हम लोग 18 इंच लेते तो डक्ट लगभग वो स्क्वायर साइज में हो जाता वहाँ पे, तो वो भी ले सकते थे, ठीक है। और उसको कम कर सकते हैं, तो टेपर इस तरह का बन जाएगा, जैसे ये जो टेपर बन के आ रहा था तो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ये रिड्यूस होगा, ठीक है। चारों तरफ से मतलब रिड्यूस हो जाएगा ये जो साइज होगा वो टेपर का। फिर नेक्स्ट अगर सेक्शन सिक्स में हम चलेंगे, सेक्शन सिक्स में कितना है 1000 CFM है, जो कि सेक्शन सिक्स और ब्रांच ये जो 12 है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो डक्ट होगा वो 1000 CFM का होगा। सेक्शन सिक्स एंड ब्रांच 12, सेक्शन सिक्स एंड ब्रांच 12। अब 1000 CFM हम लोग का ये पूरा ऐसे 1000 CFM जा रहा है इस डिफ्यूजर के अंदर, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर हमारा क्यू कितना था, क्यू हमारा चल रहा है 1000 CFM, फ्रिक्शन लॉस चल रहा है 0.08 इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट। अब हमें क्या निकालना है, एक तो इस डक्ट में वेलोसिटी निकलेगा चार्ट से, दूसरा क्या निकलेगा यहाँ पे आपका डक्ट डायमीटर निकले। ये दोनों जब निकल जाएगा तो फिर यहाँ से आप रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर डक्ट साइज निकाल सकते हैं, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1000 CFM पे, मान लीजिए ये फिर से हम फ्रिक्शन लॉस चार्ट पे आ जाते हैं। अब 1000 CFM का जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1000 CFM का है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना डक्ट मिल रहा है, लगभग आपका 14.2 ले लेता हूँ मैं। और उसके बाद जो वेलोसिटी जो होगा कितना होगा, लगभग 900 FPM, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना मिल रहा है 900 FPM, और डक डायमीटर कितना हो गया 14.1 इंच। अब 14.1 इंच जो डायमीटर है इस पे हम लोग अपना रेक्टेंगुलर डक्ट का साइज निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस डक्ट में से हम लोग ये साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे 14 इंच अगर हाइट लेते हैं तो 15.3 सबसे मिनिमम जैसे डक्ट का डाया है, हम लोगों को फिर से अपना डक्ट का हाइट कम करना पड़ेगा। डक्ट का हाइट कम करने के लिए मान लीजिए हम लोग 12 इंच कर देते हैं डक्ट का हाइट। अगर 12 इंच डक्ट का हाइट कर देते हैं तो यहाँ पे 14.1 दिया हुआ है, ठीक है, 14.2।
हम लोग का अप्रोक्स 14.1 है, ये 14.2 है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 14.2 वाले को। और यहाँ से हमारा जो डक्ट साइज मिलेगा 14 इंच बाई 12 इंच का डक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो डक्ट मिलेगा अपना कितना, 14 इंच बाई 12 इंच, 14 इंच कितना हो जाएगा, 350 mm बाई 12 इंच हो जाएगा ऊपर 300। तो इस तरीके से हमने मेन ब्रांच, मेन जो डक्ट था उसका साइज निकाल लिया है। अब ब्रांच डक्ट का साइज निकालना है। अब ब्रांच डक्ट में देखेंगे कौन कौन सा इक्वल साइज है। सबसे पहले अब मान लीजिए 7, 8 और 10 और 11, 7, 8, 10, 11 का सेम 2 2 हज़ार CFM है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांच 7, 8 और 10 और 11, ठीक है। सब में कितना CFM फ्लो हो रहा है, 2 2 हज़ार CFM फ्लो हो रहा है। और फ्रिक्शन लॉस कितना है, 0.08। इसमें हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले डक्ट डायमीटर फिर निकलेगा आपका वेलोसिटी, ये जब निकल जाएगा फिर आपको डक्ट साइज निकालना है, कौन सा डक्ट साइज, रेक्टेंगुलर डक्ट साइज, ठीक है। उसमें विड्थ इनटू हाइट हो जाएगा। 2 हज़ार CFM पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। अगर हम इस चार्ट पे जाते हैं फिर से फ्रिक्शन लॉस चार्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस में अब 2000 ब्रांच से फ्लो हो रहा है, तो ये 2000 का लाइन था, 2000 में हम आके अगर देखेंगे तो कितना, लगभग 18.23 जो हम लोग लिए हुए थे, 18.3। फिर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं डक्ट का डायमीटर, डक्ट का डायमीटर मैं मान लेता हूँ 18.3 डायमीटर हो गया। और वेलोसिटी फिर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 2000 है, तो वही 1090 के आसपास लगभग, तो 1090 FPM तो मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखिए, अब मेन डक जो चल रहा था हमारा, ब्रांच निकालने का तरीका होता है कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए कि मेन डक तो ये चल रहा है अपना, ये मेन डक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका विड्थ हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये हाइट हम लोग कितना कंसीडर करके चल रहे थे, 18 इंच, जो शुरू का जो डक्ट है यहाँ पे तो 18 इंच ही हाइट है, ठीक है। अब हम 18 इंच का ब्रांच निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक पेन टाइप का लगाना पड़ेगा, जो कि ऑटोकैड में मैं दिखाऊंगा किस तरीके का वो साइज होता है। और या फिर ब्रांच जब भी निकलते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 1 1 इंच हम लोग छोड़ के निकल, ताकि यहाँ से प्रॉपर कट होके ये जो ब्रांच निकल जाए। और ब्रांच निकलने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से कॉलर निकल के जो भी डिफ्यूज़र अपना यहाँ पे है वो डिफ्यूज़र सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा सप्लाईर डिफ्यूज़र, ठीक है। ये ब्रांच डक्ट हो जाएगा, ये आपका मेन डक्ट हो जाएगा, तो 1 1 इंच हम छोड़ने रहता है, ये ध्यान में होना। 18 इंच तक, तो 16 इंच हम लोग ले सकते हैं। तो अब देखेंगे चार्ट में चल के 16 इंच पे अब डक्ट का साइज मिल रहा है कि नहीं। 16 इंच पे अगर हम 18.5 पे आते हैं यहाँ पे, तो एटीन पॉइंट थ्री था और ये 18.5 है। थोड़ा सा और नियर अगर जाना है तो 17.5 और 18.5 दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं। 17.5 प्लस 18.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 18 मिल गया, तो ये भी ले सकते हैं। फिर इन दोनों का एवरेज हमें निकालना पड़ेगा 18 और 16 का, 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल गया, 17 इंच बाई 16 इंच का यहाँ पे डक मिल गया, 17 इंच बाई 16 इंच, 16 इंच हाइट हो जाएगा, 17 इंच डक्ट का विड्थ हो जाएगा। 17 कितना होता है, 425 का, 425 बाई 400 mm।
अब 425 का डक्ट हम लोग नॉर्मली जैसे फैक्ट्री में देंगे तो वो 425 का नहीं बना के यहाँ पे डक्ट बनाएगा, वो 450 बाई 400 mm, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता हम लोगों को 7, 8, 10, 11, और यहाँ पे भी फिर अगर देखेंगे इस ब्रांच से भी 1000 CFM फ्लो हो रहा था, ब्रांच 9 नंबर ब्रांच से जो कि 12 नंबर ब्रांच के बराबर था। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 और 12 और 6 ये जो डक्ट है ये सेम साइज का होगा। तो यहाँ पे प्लस ब्रांच, यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं ब्रांच 9 का भी जो साइज होगा वो 14 इंच बाई 12 इंच, मतलब 350 बाई 300 का डक्ट होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सभी डक्ट से, जैसे अभी तो मैंने रेक्टेंगुलर डक्ट का निकाल लिया, ठीक है, अभी तो हमने जैसे मान लीजिए क्या क्या निकाले। सबसे पहले हम लोगों को एक फ्रिक्शन चार्ट था, फ्रिक्शन चार्ट था, फ्रिक्शन चार्ट से हम लोगों को क्या मिला है, सर्कुलर डक्ट डायमीटर। अब सर्कुलर डक्ट डायमीटर मिल गया तो अब हम लोग को क्या निकाला है, हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर डक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर डक्ट। तो यहाँ पे तो एक साइज हम लोग को डायमीटर मिला था, फिर रेक्टेंगुलर डक्ट में हम लोगों ने विड्थ इंटू हाइट, दो साइज जैसे दो पैरामीटर्स होता है रेक्टेंगुलर डक्ट, हाइट इंटू विड्थ, ये मैंने निकाल लिया। विड्थ हाइट जो होता है अपना प्री प्री डिफाइंड होता है एज पर सीलिंग हाइट, जो भी सीलिंग हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये आप कंसीडर कर सकते हैं कितना लेना है हाइट। फिर अब हम लोगों को ये जो डक्ट था, अब इस डक्ट से हमने रेक्टेंगुलर निकाल लिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवल डक्ट का साइज कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ओवल डक्ट निकालना है, ओवल डक्ट किस टाइप का होता है, इस टाइप का ओवल डक्ट होता है। मान लीजिए कि एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, थोड़ा सा दोनों तरफ से जैसे सेमी सर्कल टाइप होता है। इस वाले वाले साइड को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये वाला साइज होता है आपका माइनर एक्सिस। तो सेम जैसे फ्रिक्शन चार्ट से हम लोग सर्कुलर डाया डाया निकालेंगे, फिर डाया से हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर इक्विवेलेंट ओवल डक्ट, इसको फ्लैट ओवल डक्ट भी बोला जाता है, फ्लैट ओवल डक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।